न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और सुबह के 9 बज चुके हैं और 9 बजे की 9 बड़ी खबरों की हम शुरुआत करेंगे। तो जहां आज मुंबई के दादर में पीएम मोदी की रैली होगी, शिवाजी पार्क में रैली का आयोजन होगा। पीएम की रैली को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। मुंबई में लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तो ये देखिए, शिवाजी पार्क में रैली होगी और इसके लिए लोगों में एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। और आज मुंबई के दादर में पीएम नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं और क्या बड़ा संदेश देंगे यहाँ से पीएम नरेंद्र मोदी, ये देखने वाली बात रहेगी। इससे पहले भी कई मौकों पर वो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा देते हुए नजर आए चुनाव प्रचार के दौरान। और अगर हम महाराष्ट्र की सियासत की बात करें, एक तरफ है महायुति तो दूसरी तरफ है MVA, महाविकास आघाड़ी, दोनों के बीच सामना है। लेकिन इस बार काफी कुछ बदला हुआ है। इस बार 6 दल हैं, यानी कि एक ही पार्टी के दो धड़े हो चुके हैं। तो चुनाव बेहद यहां पर दिलचस्प होने वाला है, खासतौर पर नवाब मलिक के समर्थन में क्या वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस पर भी निगाहें लोगों की टिकी रहेंगी। और आज एक बड़ी रैली पीएम नरेंद्र मोदी की होने वाली है, जिसको लेकर के एडवाइजरी फिलहाल जारी की गई है, रूट डायवर्जन किया गया है। मुंबई में पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो होगा, रैली करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या किस तरह से वो चुनावी जनसंपर्क करते हैं, लोगों को क्या मैसेज देते हैं, ये देखना होगा। लगातार महाविकास आघाड़ी पर वो निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि आज मुंबई पुलिस की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि दादर के शिवाजी पार्क में पीएम नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं और प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी शामिल हो सकते हैं इस दौरान। और पीएम की रैली को लेकर मुंबई में ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। रूट क्योंकि डाइवर्ट होते हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी का कोई भी कार्यक्रम होता है, और इसी के चलते रैली के दौरान कुल 14 मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहेंगे, प्रतिबंधित रहेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक यातायात प्रभावित रहने वाले हैं और कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है। तो एक बार अगर आप घर से निकल रहे हैं तो अपने रूट को जरूर चेक करिएगा, क्योंकि ये एडवाइजरी जारी की गई है पुलिस की ओर से कि कौन कौन से रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। तो सुबह के 10 बजे से ये यातायात प्रभावित हो जाएगा और रात 12 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। और देखिए, 9 बड़ी खबरों पर 9 जगहों से हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे एक एक कर खबर विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले रुक करूंगी मैं मुंबई से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुभम पांडे। शुभम, आज पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है, यातायात तो प्रभावित रहेगा ही, साथ ही साथ उनकी रैली को लेकर कैसी तैयारियां भी देखी जा रही है, वहां पर कैसे खास इंतजाम? शुभम जी, बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम खुद मौजूद हैं मुंबई के शिवाजी पार्क में और तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं जिसमें से पीएम मोदी हो, बाला साहब ठाकरे हो और आनंद जी के जो एकनाथ शिंदे के गुरु जो है वो रह चुके हैं, दिवंगत नेता है, उनके कटआउट बड़े बड़े शिवाजी पार्क में इस वक्त लगा चुके हैं और मेरे ठीक पीछे तैयारियां जिस वक्त पूरी हो चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि इस वक्त यह आ रही कि अजीत पवार इस सभा में शामिल नहीं होंगे, उनकी पार्टी की ओर से छगन भुजबल सिर्फ यहाँ पे होंगे। अजीत पवार की भी कई अन्य सभाएं हैं, चुनाव का वक्त है, तो जानकारी मिली सिर्फ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी पार्टी से हैं वो इस सभा में शामिल है। और छगन भुजबल एनसीपी की ओर से जो मंत्री भी है महाराष्ट्र में, उम्मीदवार भी है नासिक जिले से, वो इस सभा में खाली शामिल होंगे। तो देखिए, कुछ खड़बेड़, कुछ मतभेद जो है ये महायुति में दिखाई दे रहा है। देखिए जिस तरह से नारेबाजी हो रही है, एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे, ये देखिए नारा जो लगातार बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक पर काफी असर पड़ सकता है। देखिए अजीत पवार के पास मुस्लिम वोट बैंक भी है, एनसीटी के पास मुस्लिम वोट बैंक भी, कहीं वो डाइवर्ट ना हो जाए इसका भी ध्यान रखना होता है। इसी वजह से ये चीजें जो बयानबाजियां लगातार हो रही है, तो शायद अजीत पवार की जो अपनी व्यस्तता है उन्होंने आज अपनी बताया, और यही वजह है कि शायद वो इस
सभा में जो आज के दिन होने वाले हैं वहां पर शामिल होंगे। देखिए लगभग तैयारियां पूरी हो जाएगी, शाम तकरीबन 6 बजे के करीब पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचेंगे। उससे पहले वो संभाजी नगर और नवी मुंबई के पनवेल में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पर देखना होगा कि मुंबई में जो 36 विधानसभा सीटें हैं, जो 36 प्रत्याशी हैं, उनके लिए किस तरह से मुंबई वासियों से वोट मांगते हैं और किस तरीके से लोगों से अपील करते हैं कि वोट करिए, ये तो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से शिवाजी पार्क में जो मैदान है इसे पूरी तरीके से भरने की कोशिश की जा रही है, तमाम अलग अलग जगहों से, अलग अलग इलाकों से, मुंबई के अलग अलग विभिन्न इलाकों से तमाम जो बड़े कार्यकर्ता हैं उन्हें कहा गया है कि अपने साथ छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, ताकि सभा को पूरी तरीके से ये दिखाया जा सके कि महायुति में भी दमखम है। जी महायुति में भी दमखम है, दिखाने की कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। तो आज मुंबई में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है, जिसके लिए खासा तैयारियां की गई हैं। हालांकि इस बारे में जानकारी दी है हमारे संवाददाता ने कि अजित पवार इस रैली में शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनके बजाय छगन भुजबल इस रैली का हिस्सा बनेंगे। और अब देखने वाली बात है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि अजित पवार की भी कई सारे कार्यक्रम पहले से तय हैं और इस वजह से वो चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त रहेंगे, इस वजह से ही वो रैली में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है ये फिलहाल देखना होगा। लड़की